सभी साथियों को जय। आज हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी जॉब में, चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो, CPO या GD हो, कोई भी जॉब हो, तो उसमें एक्सटेंशन कैसे लिया जा सकता है, अगर लिया जा सकता है तो कितने दिन का लिया जा सकता है, क्या प्रोसेस होगी उसकी, और मैंने कैसे एक्सटेंशन लिया था, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको चाहे तो आप 2x की स्पीड पर देख लेना। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एक्सटेंशन लिया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल एक्सटेंशन लिया जा सकता है। इसकी क्या प्रोसेस होगी, मैंने कैसे एक्सटेंशन लिया था, तो इसके लिए आपको डिपार्टमेंट को एक मेल करना होता है जिसमें आपको अपना ज्वाइन ना करने का एक वैलिड रीज़न बताना होता है। अब उस वैलिड रीज़न को आप चाहे तो प्रूफ के साथ भी पेश कर सकते हो, जैसे आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या फैमिली प्रॉब्लम है या आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आप जेन्युइन एकदम जेन्युइन रीज़न बताएं जिससे डिपार्टमेंट आपकी प्रॉब्लम को भी समझेगा और आपको एक्सटेंशन देने में आसानी होगी। अब तीसरी बात करते हैं कि एक्सटेंशन कितने दिन तक का लिया जा सकता है, तो एक्सटेंशन आप मिनिमम 3 माह का ले सकते हैं, इसमें आपको डिपार्टमेंट नहीं रोक सकता है। अगर आप चाहें तो डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके 6 महीने तक का एक्सटेंशन ले सकते हैं। हाँ, और अगर डिपार्टमेंट चाहे तो आपका एकदम वैलिड रीज़न है तो इसे आप 1 साल तक भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, मतलब कि अगर डिपार्टमेंट चाहेगा तो ही आपको 1 साल तक का एक्सटेंशन मिलेगा, अन्यथा 1 साल तक का एक्सटेंशन का कोई नियम नहीं है और 6 महीने तक ही आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। अगर आप 1 साल के अंदर भी ज्वाइन नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जॉब खत्म हो जाएगी। कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ।